हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे होंडा सीबी हॉर्नेट 160R के BS6 वेरिएंट के बारे में। इस बाइक की लॉन्च डेट, प्राइस एंड चेंजेस के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको इस बाइक के बारे में सब कुछ जानना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। होंडा ने सीबी हॉर्नेट 160R के BS6 वेरिएंट को लॉन्च करने का कंफर्म कर दिया है। सो अगर बात करें इस बाइक की एक्सपेक्टेड लॉन्च के बारे में, तो इस बाइक की एक्सपेक्टेड लॉन्च है जुलाई 2020, और इस बाइक में आपको 5 to 10,000 का प्राइस हाइक देखने को मिलेगा, और इसके BS6 वेरिएंट में माइनर चेंजेस के साथ लॉन्च किया जाएगा। सो अगर बात करें इस बाइक के इंजन स्पेक्स के बारे में, तो इस बाइक में आपको 162cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन मिलेगा। इस बाइक में आपको पहले एयर कूल्ड इंजन मिलता था, बट अब इसमें आपको ऑयल कूल्ड इंजन मिलेगा, तो ये काफी अच्छी बात है। और इस बाइक में आपको पावर और टॉर्क आउटपुट में भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। सो अगर बात करें इस बाइक की पावर और टॉर्क आउटपुट के बारे में, तो इस बाइक की 15.8 bhp का पावर मिलेगा और 14.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। और इस बाइक में पहले 5-स्पीड ट्रांसमिशन मिलती थी, बट अब इस बाइक में आपको 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलेगी। सो ये बाइक काफी टफ कंपटीशन देने वाली है पल्सर NS160 और अपाचे RTR4V160 को। 160cc सेगमेंट की किसी बाइक में 6-स्पीड ट्रांसमिशन नहीं मिलती। सो अगर बात करें इस बाइक की चेंजेस के बारे में, तो इसमें आपको इंजन किल स्विच मिलेगा, इंजन काउल मिलेगा, और इस बाइक में आपको साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच मिलेगा, जो कि काफी अच्छा फीचर है। और ये फीचर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छा फीचर है। और इस बाइक में आपको न्यू कलर स्कीम और न्यू ग्राफिक्स भी मिलेंगे, बट ये लिमिटेड होगा और इसके लिए आपको 2,000 to 3,000 एक्स्ट्रा पे करना होगा, और बाकी सारी चीजें इस बाइक में सेम ही होंगी। अगर बात करें इस बाइक के इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में, तो इसमें LED हेडलाइट्स मिलेंगी, LED टेल लाइट्स और हेलोजन इंडिकेटर्स, और फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल। और इस बाइक में 17-inch का फ्रंट और रियर व्हील साइज होगा, और इसमें ट्यूबलेस टायर्स मिलेंगे विद अलॉय व्हील्स। अगर बात करें इस बाइक की ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, तो इसमें आपको 276mm का फ्रंट डिस्क मिलेगा, 220mm का रियर डिस्क मिलेगा विद स्टैंडर्ड सिंगल चैनल ABS। और इस बाइक में टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉक्स मिलेंगे और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा। ये बाइक डायमंड टाइप फ्रेम पे बेस्ड है, और इस बाइक की सीट हाइट होगी 790mm। सो इस बाइक को शॉर्ट राइडर काफी कंफर्टेबली राइड कर पाएंगे। और इस बाइक में आपको 164mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, और इस बाइक की कर्व वेट होगी 140kg, और इसमें फ्यूल कैपेसिटी मिलेगी 12 लीटर्स की और 1.5 लीटर्स का फ्यूल रिजर्व मिलेगा। सो अगर बात करें इस बाइक की टॉप एंड परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस बाइक की टॉप एंड परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। 120 km/h की टॉप स्पीड मिलेगी और 45 km/h की माइलेज मिलेगी। सो इस बाइक की परफॉर्मेंस और माइलेज काफी अच्छी है। सो ये थी सारी डिटेल्स होंडा सीबी हॉर्नेट 160R के BS6 वेरिएंट के बारे में। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।